हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A51 में और वीवो V17 Pro में, और साथ में जानेंगे कि आपको दोनों फोनों से बेस्ट फोन कौन सा मिलता है। सैमसंग की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले दी हुई है और रेजुलेशन है 1024x2400 पिक्सल का, और इसमें सुपर मोड डिस्प्ले का यूज किया गया है और सिर्फ 5 होल डिस्प्ले है। वीवो की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.44 इंच की डिस्प्ले है और रेजुलेशन है 1024x2400 पिक्सल का, और इसमें सुपर मोड डिस्प्ले का यूज किया गया है और इसमें कोई भी नोच नहीं है। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग का फोन आगे निकल जाता है। बात करते हैं रैम की, तो सैमसंग में रैम है 6 GB और 8 GB की, और वीवो में रैम है 8 GB की। बात करें मेमोरी की, तो दोनों फोन में मेमोरी सेम है, 128 GB की है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो सैमसंग का प्रोसेसर है एक्सिनोस का 9611। CPU है 2.3 GHz ऑक्टा कोर का, और इसमें 10 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और इसका GPU है G72 MP3 का। वीवो का प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिलता है। CPU है 2.0 GHz ऑक्टा कोर का, और इसमें 11 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और उसका GPU है 612 का। गेमिंग के लिए दोनों ही प्रोसेसर बढ़िया हैं। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है 10 पाई का, और वीवो का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है 9.0 पाई का। बात करते हैं बैक कैमरा की, तो सैमसंग का बैक कैमरा क्वाड भी ही 48+, 12+, 5+, 5 MP का है, और वीवो का बैक कैमरा भी क्वाड में है 48+, 13+, 8+, 2 MP का है। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो सैमसंग का फ्रंट कैमरा 32 MP का है, और वीवो का फ्रंट कैमरा डुअल है 32 MP+ 8 MP का। फ्रंट कैमरा के मामले में वीवो का फ़ोन आगे निकल जाता है। बात करें बैटरी की, तो सैमसंग में बैटरी है 4000 mAh की, और वीवो में बैटरी है 41 mAh की। दोनों फोनों में बैटरी टेस्ट नॉनेबल है, दोनों की बैटरी को आप निकाल नहीं सकते। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों फोनों में दिया हुआ है, फेस अनलॉक भी दोनों में ही है, और LED फ्लैश लाइट भी दोनों में दी हुई है। सैमसंग में ट्रिपल सिम का ऑप्शन है, 2 सिम और 7 SD कार्ड डाल सकते हो और वेट 172 ग्राम, और वीवो में सिर्फ 2 सिम का ऑप्शन है, SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है और वेट है 201 ग्राम। बात करें कलर की, तो सैमसंग में कलर है ब्लैक, ब्लू, पिंक और वाइट, और वीवो में कलर है ब्लैक और आइस, और कनेक्टिविटी 3G और 4G के हैं दोनों में। बात करें चार्जर की, तो सैमसंग में चार्जर है 15 वाट का, और वीवो में चार्जर है 18 वाट का। दोनों में टाइप सी का स्पोर्ट है, और दोनों में ही 3.5 mm जैक है। बात करें दोनों फोन की डिफरेंस की, तो सैमसंग में आपको ट्रिपल सिम का ऑप्शन मिलता है, एंड्रॉयड 10 मिलता है। वीवो में आपको 18 वाट का चार्जर मिलता है, फ्रंट कैमरा डुअल मिलता है 32+8 MP का, और गोरिल्ला ग्लास 6 मिलता है, और सैमसंग में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है। बात करें प्राइस की, तो सैमसंग का प्राइस है 6 GB 128 GB का, 23,999 रुपये, और सैमसंग में 8 GB 128 GB का प्राइस अभी कंफर्म नहीं हुआ क्या होगा, तो जब पता चलेगा तो मैं आपको इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जाके एक बार देख लेना। और वीवो की प्राइस है 8 GB 128 GB का, 27,999 रुपये। आप लोगों को दोनों फोन से कौन सा फ़ोन पसंद आया कॉमेंट में ज़रूर बताना।